नमस्कार दोस्तों, CBTF अर्णव YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। चार बार की चैंपियन टीम चेन्नई की हालात इस साल काफी नाजुक है। धोनी की कप्तानी के बिना लगातार दो मैच हार चुकी है। वहीं पंजाब ने अपना पहला मैच धमाकेदार अंदाज में जीता है। 100% श्योर टुडे क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन। दोस्तों, हमारी लगातार टॉस प्रेडिक्शन और मैच भविष्यवाणी, पावर प्ले, स्कोर, रन, पहली पारी में कितने रन बनेंगे, बैक टू बैक पास होती जा रही है। जिन दोस्तों को हमारे टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होना है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में इंडियन प्रीमियर लीग के 11 TH मैच का संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। यह मैच चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच ब्राबोन स्टेडियम मुंबई में दिनांक 2 अप्रैल 2022 7:30 PM पर खेला जाने वाला है। दोस्तों, आज का मैच कौन सी टीम मैच जीतेगी? आप दोस्तों को क्या लगता है? जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि IPL T20 का यह मैच ब्राबोन स्टेडियम मुंबई की पिच पर खेला जाने वाला है। ब्राबोन स्टेडियम मुंबई में अब तक IPL के दो मैच खेले जा चुके हैं। इस मैदान पर 175 से ऊपर का स्कोर लगातार बन रहा है। इस मैदान की बाउंड्री छोटी है, चौके और छक्के लगाना आसान है, हाई स्कोरिंग वाला मैच होने का अनुमान है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करेगी तो 6 ओवर में 42 से 49 के आसपास स्कोर बन सकते हैं। वहीं अगर पंजाब किंग्स पहले बल्लेबाजी करेगी तो 20 ओवर में 127 से 157 के आसपास स्कोर बनाएगी। आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 6 ओवर पावर प्ले में कितने रन स्कोर बनाएगी? आज के इस T20 मैच में पहली पारी के 6 ओवर में रन बनेंगे, सेशन येस जाएगा। दोस्तों, आने वाले सभी क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन के सभी वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चल जाए, उसके लिए आप अभी हमारे CBTF अर्णव YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को लाइक करना भूल ना जाना। आप भी अपनी पसंद की टीम का नाम कमेंट्स करके जरूर बताना जो टीम आज के इस मैच को जीतेगी। दोस्तों, अगर आज के इस मैच के लिए की प्लेयर्स की बात करें तो आज के लिए की प्लेयर्स में आप विकेटकीपर के रूप में भानु राजबसका को अपनी ड्रीम 11 टीम में चुन सकते हो। भानु राजबसका द्वारा लगातार अच्छे रन बनाए जा रहे। अगर हम दोनों टीमों के बल्लेबाजों की बात करें तो आज के इस मैच में अंबाती रायडू एंड शाहरुख खान यह खिलाड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। दोनों ही टीमें इन खिलाड़ियों को जल्दी से जल्दी आउट करके पैवेलियन में भेजना चाहेगी। इन खिलाड़ियों को आप अपनी ड्रीम 11 टीम में भी स्थान दे सकते हो। ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा एंड राज बावा काफी रन बना सकते हैं और मौका मिलने पर कई विकेट लेंगे। डीजे ब्रेवो एंड राहुल चाहर काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अपने शुरुआती ओवरों में अपनी कसी हुई गेंदबाजी द्वारा बल्लेबाजों को काफी परेशानी में डाल देते हैं। इस मैच में टॉस कौन जीतेगा? हमारी 100% मैच भविष्यवाणी के अनुसार जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। हमारी 100% मैच भविष्यवाणी के अनुसार इस मैच में टॉस प्रेडिक्शन टॉस चेन्नई जीतेगी। इस मैच में टॉस चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी। टुडे मैच टॉस प्रेडिक्शन इस चेन्नई सुपर किंग्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूले। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी।
अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर कि टुडे क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन, आखिर आज का मैच जीतेगा कौन। आप अधिक जानकारी के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8769037167। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अब तक अच्छी नहीं रही है। दोनों ही मैचों में चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी की है और अपने स्कोर को बचा नहीं पाए हैं। चेन्नई के गेंदबाज अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पंजाब की टीम इस समय काफी संतुलित नजर आ रही है। गब्बर सिंह इस समय अच्छी फॉर्म में है। किसी भी टीम को हराने के लिए शिखर धवन अकेला ही काफी है। वैसे यह मैच काफी टक्कर का होने वाला है। पंजाब की टीम अब तक एक चैंपियन की तरह इस प्रतियोगिता में खेल रही है। हमारी 100% मैच भविष्यवाणी के अनुसार इस मैच को पंजाब किंग्स जीतेगी। टुडे मैच प्रेडिक्शन इज पंजाब विन द मैच। यह मैच पंजाब किंग्स जीतेगी। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8769037167। जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।